या भगवान, 10 दिन में मेरा बेटा कहां से पैसा पाएगा, कहां से लाएगा? और ठाकुर साहब का कहना है कि अगर 10 दिन के अंदर मेरा कर्जा मेरे पास नहीं आया तो तुम्हारी सल्ला बिटिया मेरी रखेल बन के रह जाएगी। या मालिक, मेरे बेटे की मदद करना। आप अल्लाह मियां के बनाए हुए बंदे बेशक है, लेकिन हम इससे गरीबों के लिए आप भगवान खुदा है। आप वाकई में इंसान नहीं बल्कि भगवान है चाचा जान। बेटा सुनो, भगवान के अल्लाह ताला के दुआ से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो मेरे कोई औलाद नहीं है। बाकी मैं सब देखो तब कभी मदरसे में दान करता रहता हूँ, कभी मस्जिदों में। तुम्हें जितने पैसे की जरूरत हो कभी भी बेशक मेरे पास आ जाया करो। ऐसा है रमजान, बेटा सोनू को घर से ला करके 6,000 रुपए दे देना। सोनू भैया, चाचा जी का आदेश है, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको 6,000 रुपए दूंगा, 1,000 अपने खर्च के लिए रखना, बाकी जो 5,000 रुपए है यहां से ले जाना, जमींदार के मुंह पे मार देना और अपनी बहन को वापस बुला लेना। ठीक है भाई यान, मैं इसी वक्त जाऊंगा धर्मेंद्र प्रताप सिंह के यहां, उसके मुंह पर 5,000 रुपए फेंक कर अपनी बहन को छुरा कर लाऊंगा। चलिए मेरे भाई। चाचा आपने देखा दुनिया में एक से एक अनेक ऐसे पड़े हैं जो कि पैसों के खातिर बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं। वही तो मैं देख रहा हूं कि देख लो ऐसे ऐसे कमीने इंसान पड़े हैं कि जो कि अपने ही गांव के बहन बेटियों को इस तरह सता रहे हैं। क्यों नहीं चाचा जान, चलो नमाज का टाइम, चलिए क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। अरे दुनिया से जब नबी चले, अरे माल रो दिए, दुनिया से जब नबी चले अरे माल रो दिए, काश हो दीदी। हाँ ये बताओ कहाँ का तैयारी बने दी है। देखो हाँ? तुम तो जानते हो हाँ? कि कॉलेज से हवेली, हवेली से कॉलेज, जी रहते रहते मेरा जी उब गया है। हाँ जेरा उब गया यार, सही। मैं सोच रही हूँ आज इतवार का दिन है, आ गया, चल रही हूँ किसी सहेली से मुलाकात करूंगी। अरे भाई ये खाई छुट्टी बनी है, आज मेरा मन बहल जाएगा, आ गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, हाँ जब तक मेरे भैया इजाजत नहीं देंगे मैं कहाँ जाऊंगी। भाई बड़े भाई पिता के समान होते हैं,
उनके आदेश बिना आप कहीं नहीं जा सकते हैं। चलो बाबू साहब से मिला जाए और तब आदेश देंगे तब चलेंगे। ठीक है, बिना भैया से चलने में कहीं नहीं जाती। चलो कोयल कूके हुके उठाए यादों की बंदूक चलाए बागों में झूलों के मौसम से मिलने गई हैं। अथो दादा लौटे काते रगड़ी जे यार। अरे हे हो बुढ़ऊ दादा बनावा तनी कैनी हे हो बुढ़ऊ दादा बनावा तनी हे हो बुढ़ऊ दादा बनावा तनी। जमींदार साहब की जय हो। जय हो जय हो। मालिक आज सरला को आए 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। हाँ अभी तो 4 दिन बाकी है। हाँ मालिक है तो मैं सोच रहा हूँ। यार देखो जो चिड़िया जाल में फंस गई है हम उसको तो कभी कभी भी हलाल कर सकते हैं। क्यों रहे मालिक वो तो हमारी जाल में फंसी है। अरे मालिक ये तो सोचिए खुराकी। हाँ ये बात तो ठीक कहते हो। हाँ हमारे यहाँ का भोजन 500 रुपए से कम नहीं पड़ता ये भी जानते हो। क्यों नहीं लेकिन ठीक है। अरे भाई सांभरी अलग इडली अलग डोसा अलग गरी के चटनी अलग नमक मर्चा के अलग अलग अलग। अबे गिनती कैसे कितना करोगे बहन पूजा। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भैया बहन आज ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जुआइश मेरी याद आई और हमारे तक तो पहुंच गई। क्या बोलो अरे गई कोठी में भी बने बहन
छोटी बहन हो, हम तेरे अरमान को नहीं तोड़ सकते हैं। अरे देखा करो चेहरा उतारो। मैं बेटाई जा चटी चमन घूमया वो, मगर जल्दी आना ऐ बहना हमारी। जी भैया ठीक है भैया, मैं शाम होने से पहले हवेली वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना। जी भैया, तुम्हारे भाई की ऊंची नाक है, नाक पर मक्खी नहीं बैठना चाहिए। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं हो। पढ़ी लिखी समझदार हो। जी भैया, अगर नाक पर मक्खी बैठ गई तो या तो साली मक्खी रहेगी या तो नाक रहेगी। मैं जा रहे हूँ। कहना कम समझना ज्यादा। जी भैया नमस्ते। जाओ। जमींदार साहब अगर इजाजत हो तो हम पूजा का बॉडीगार्ड बन के पूजा के साथ चले जाएं। बॉडीगार्ड बनोगे? जब से तुम घोड़े पर से गिरे पैर में सड़िया पड़ी। क्यों नहीं मालिक, तो तुम बॉडीगार्ड बनोगे? अरे मालिक, स्टील बॉडी है, अभी उतना कमी नहीं है। बॉडी स्टील नहीं है, केवल सरिया स्टील की पड़ी हुई है। जी मालिक, तुम बॉडी गार्ड बन जाओगे। अरे नालायक, वो छत्राणी है। और ये भी तुम जानते हो कि बनारस से लेकर रामनगर तक किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया अपने बेटे को, जो हमारी बहन को उंगली उठा सके। ये तो मुझे मालूम है मालिक, वो छत्राणी अपनी रक्षा करना खुद जानती है। ठीक है मालिक, चले का उधार मांगा, हमारे सहारा न रहे तो सरिया निकल के बाहर हो जाए। मालिक अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बॉडीगार्ड बन के साथ पूजा मिट्टी के साथ। पाँव की जूती हो तो पाँव में रहना सीखो। अरे मालिक, आप तो नाराज हो जाते हैं। मैंने कह दिया कि वो छत्राणी है, अपनी रक्षा करना खुद जानती है। किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जाना मुनासिब नहीं। ए आए, हाँ बछिया का समूह ले जाता है। पहले ये बताओ पिछवाड़े में क्या लगा रहे? हवेली आया करो, कम से कम देख लिया करो। बाबू काम नहीं लगा है। बाबू अगर आपका आदेश हो तो पूजा दीदी जा रही है, हम होम गार्ड बन के चले जाएं। नहीं, चपरासी बन के जाओ। नालायक कहेंगे। एक बार चमरपासी चपरासी रवि और कभी तो समझ लो कि हमारे इज्जत में अगर मान सम्मान में अगर थप्पा लग गया तो सीधा मैं जूते उतारता हूं। तुम्हें क्यों नहीं जाने दिया? कैसे लिए मालिक? देख, ओ आप समझ पाया? मैं समझने की कोशिश करो। मैंने कह दिया कि मैं एक तीर से तो शिकार करता हूँ। यानी इधर? अरे पूजा गई हवेली खाली, अब साली रह गई सरला अकेली। अब सरला अकेली रह गई है। क्यों नहीं मालिक, सरला के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यही तो मैं सोच रहा हूँ, अगर पूजा हवेली में रहती तो हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो हकीकत है मालिक, इसलिए मौका अच्छा है और हम अब सरला से मिलेंगे। लेकिन यार सरला कम उम्र की है। हाँ हाँ, अभी अभी ज्यादा 16-17 साल की होगी। बस ज्यादा ज्यादा मुश्किल में।
अभी 18-19 नहीं हुई। नहीं मालिक, देखो अबे बाबू नाजुक है, नाजुक हंटर बाबू। उमर नाजुक है बाबू। तुमसे पूछ कौन रहा है? उमर ये बताओ, तुमसे पूछ कौन रहा है? अब नाजुक किसने पूछा? किसने पूछा? बोल बताओ। मैं साले बीच में बोलोगे ना मालिक खड़े हैं नहीं तो कम से कम सैकड़ों जूता मारता, लेकिन मालिक के सामने देखो, देखो तुम दोनों के लिए दो काम है, दोनों के लिए दो काम। कौन सा काम है मालिक? तुम दोनों के लिए दो काम। कैसा काम है मालिक? ऐसा कोई बाजा तलाश करो कि जो आवाज ज्यादा देता हो। तो इसमें कहा कमियां है मालिक? बोलो। बाजा तो मैं आपको अच्छा से अच्छा बता दूं। फटाफट बोलो, क्योंकि इसमें सरला के सरला से मिलने के लिए हमारा दिल बेताब है। 1 मिनट की समय लेंगे मालिक, 1 मिनट की समय लेंगे मालिक। इसी रामनगर में एक छोटा सा पुरवा है जिसे गौखाड़ी कहते हैं। उसी गौखाड़ी ग्राम सभा के वो दाराम बाजा वाला है ना, बहुत नंबर एक का बाजा बजाता है। उसके पास जौन जौन बाजा है बाबू, बाजा का नाम सुन ले बेटे, एक नंबर के बाजा। सबसे पहला नंबर चुका है बाजा आपका पसंद है, आवा मशक दी। आवा मशक दी। नहीं बाबू, बाजा का नाम है ओका कखरिया बधाई कैसे फुलावत है जैसे बकरी फुलावत फूल। अरे उसको ब्रास कहते हैं, ब्रास बाजा। ब्रास ब्रास एंड बेन एंड बेन बीन, हम कहीं ब्रास एंड बीन। एक बाजा और है बाबा, बहुत नंबर एक का बाबू, कसम भगवान हम कहा कहीं यह यही ठिया टांग आवाज है, यही ठिया से टांगे रह जो बढ़िया आवाज है, इतनी गजब के आवाज के अगर बाजे ना तो उसके आगे कहूँ का लगभग नहीं का। अगर तुम इधर सुना तुरुक 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 ठीक है। नहीं पूरे बरत भूल का पेल के भाग गया थी। समझ रहा हूँ वही बाजा ले लो, दो आदमी हो और किस लिए? जब हम हवेली के अंदर जाएंगे, आप अंदर जाएंगे, सरला के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो चिल्लाएगी हवेली के, आवाज जो है हवेली के बाहर जाएगी। तुम लोग बाजा बजाना शुरू कर देना, जब बाजा बजता रहेगा तो आवाज बाहर नहीं जाएगी। अपनी अपनी ड्यूटी संभाल कर रखना, मैं चल रहा हूँ। हेलो, शराव जिला प्रयागराज, ये साहब जी की तरफ से हाँ
ग्यारह रुपया इनाम। कहा तो है ठाकुर को पूजा क्या क्या कोई माल है। कौन कहा? वो भाई पूजा मेरी है, निगाह है उठाना मत। तो हाँ ना वहाँ पूजा परेशान जी हुआ। क्या कहता हूँ क्या कहता हूँ अंतर संख बजाओ। इधर आ रे, ये बता पूजा को मैं बहुत नेक नजरों से देखता हूँ, लेकिन पूजा मुझे क्यों दूसरे हिसाब से देखती है? देखा है तुमका क्यों तुहार तुहरा जैसे लंडूस बंदरे के देखा बिलौजे रहे बिलौजे। सुन रहे जमींदार साहब गए हैं सल्ला से मिलने। हमारा और आपका ड्यूटी है कि हम आप मेन गेट पर बैठकर हाँ वही बाजा बजाएंगे। दम लक लक दम दम लक लक। रुक साहब अभी बताना चालू कर दिए, अभी हम लोग तो गेट पर नहीं पहुंच पाए। अबे अंदर गवई नहीं भाई। अबे अंदर तुम जा, तुम्हारा खानदान जैसा ले गेट के आओ चलते हैं। है रामनगर वालों कान खोल के सुन लो, कोई हवेली की तरफ होता ना, अगर कोई आता हवेली तरफ तो मालिक का आदेश है दौड़ा के साले को गोली मार दो, जो कुछ होगा देख। आओ